हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसी है मेरी ड्यूटी फैमिली? आई होप सब बढ़िया होंगी। और गाइस, आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के टाइम से, और अम्मी ने गाइस मेरे लिए खाना लगा दिया, तो मैं अभी हैंड वॉश करने आ चुका हूँ। हैंड वॉश करते हैं और फिर जल्दी चल के खाना खाते हैं, फिर खाना खा के मिलते हैं आपसे। और गैस खाने में बनाया लौकी चने की दाल, नहीं सॉरी पत्ता गोभी आलू और करेले। ये रही गैस पत्ता गोभी आलू, ये है गैस करेले, और ये रही रोटी। अभी खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और गाइज अभी मैं खाना खा रहा था जस्ट, और आप यहाँ ले आइए गाइज पिज़्ज़ा। हमारे जस्ट घर के सामने ही एक शॉप है, वो क्या कहते हैं, वो होम डिलीवरी कर देते हैं, तो उनसे हमने पिज़्ज़ा मंगा लिया है। ये देख सकते हो, अभी जैसे खाना यहाँ पे रखा है, ये रहा, तो खाना ही खा रहे थे, और ये रहा पिज़्ज़ा हमारा। तो पिज़्ज़ा ही अभी अनबॉक्स करते हैं पिज़्ज़ा को। अभी हम टेप चुराते हैं इसकी, और गाइस अभी हम मैं गई थी अबू के साथ शॉप, एक शॉप पे पिज़्ज़ा वाली, तो मैं वहाँ से लाई थी। मैं अबू के साथ जाके, तुमने मांगा था अबू से? ये तो बड़ा कमजोर है। हाँ, सुबह चिली फ्लेक्स डालते हैं जरा, सुबह चिली फ्लेक्स वगैरह डालते हैं जरा। पहले इसमें मेरे मेंबर डाल रही, दो मेरे, दो नहीं है, एक ही है सबका, अम्मी का एक है और अब्बू का एक है, और अभी तेरा ही। वैसे अम्मी खाती नहीं है, फिर भी मेरे मेंबर डाल रही सारे। हट जा पिया, अरे मिर्च नहीं है, ये सब में डलेगी। अच्छा, मैं तो सॉस डाल दूंगी, सॉस अगर ये फ्रेंच फ्राइज वाली बहुत टेस्टी लगती है वाले ना, क्योंकि मैं वो मिर्च नहीं खाती, मैं सॉस खाती हूँ, बहुत मीठी लगती है, अच्छी अच्छी बहुत अच्छी अच्छी होती है। अभी गाइस ये सॉस डाल के बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा लगता है। तो गाइस डल चुका है, अभी मैं अपना पीस खा लेता हूँ जरा पहले। अरे काटो इसे, मेरा है ये, सॉस सारी खत्म कर दिया आपने, मेरा है, मेरा ही वाली सॉस, बहुत सारे टेस्ट है। गाइस खा लो, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, इसमें मेकअप करवा रखा है, कैसा सुंदर लग रहा है। पापा की तैयार सो रखी है क्या? हाँ, साइन बुक को सुबह दो, अगर फुप्पा आप ये ब्लॉग देख रही हो तो आप भी खा लो पिज्जा, साइन बुक को सुबह दो, साइन बुक को अगर आप भी ब्लॉग देख रही हो तो आप भी खा लो पिज्जा। तो गाइस पिज्जा वगैरह खा लिया है, और अभी हैंड वॉश कर लेते हैं जरा पहले, तो बिकॉज गंदे हाथ से फिर स्क्रीन भी गंदी हो जाएगी आप लोगों की, क्या पता कैमरा गंदा हो जाए, तो दिखने वाला कुछ साफ नहीं है। सो आज पता है अम्मी का गाइस रोज़ा था, मैं बता दूँ अभी रमज़ान नहीं है, कभी बोलोगे अगर कोई मेरे नॉन मुस्लिम ये वीडियो देख रहा है तो कभी वो बोले कि भाई रमज़ान तो आए भी नहीं है अभी, इतनी जल्दी कैसे रोज़े रख लिए। और सीन क्या है कि
मेरी जो अम्मे है, अम्मे की जो खाला है, वो खाला जो मेरी नानी लगी, मीन्स वो मेरी नानी लगी, तो उनका जो है कोरोना में 2020 नहीं है ना 2020 में कोरोना में उनका इंतकाल हो गया था। उनको कोरोना COVID-19 हो गया था, तो उस बीच उनका इंतकाल हो गया। तो जब रमज़ान ही चल रहे थे, तो उस बीच में जो है ना अम्मी ने फिर रोज़े छोड़ दिए। अब भाई अगर किसी का इंतकाल हो जाएगा तो संभाला नहीं जाता है ना फिर अपने आप को, तो उसी वजह से अम्मी के कुछ रोज़े वो छूटे हुए हैं, और कुछ बीमार की वजह से भी छोड़ दिए थे अम्मी ने कुछ रोज़े। तो वो अम्मी ने सोचा कि ये सारी टाइम है, इस टाइम पर हम रख लेते हैं। और हाँ, मुझे एक याद बात याद आई फर्स्ट ऑफ आफिया के लिए, ये देखो अभी पिज्ज़ा ही खा लिया ये। तो वो बात है कि आफिया पता है कल क्या कह रही थी अम्मी से, कल ये कल के आने लगी, अम्मी मुझे 10,000 रुपये दे दो, मुझे आईफोन लेना है अब्बू की शॉप से। अम्मी कहने लगी 10,000 रुपये कहाँ से दूँ मैं, ये देखो ये मैम कह रही थी 10,000। वो 10,000 का आईफोन बिक गया, और अब मैं वो आईफोन 7 था ना, अगर 12-13 होता तो ऑब्वियसली भाई बहुत महंगा बिकता। वो आईफोन 7 था, बिक गए भाई दोनों। तो गाइस अब मैं आईपैड लेने वाली हूँ। आईपैड? हाँ बस, मैंने तो सपनों में भी नहीं देखा होगा। देखा है पापा, और पिज्जा वगैरह भी खा लिया, खाना पीना भी हो चुका है, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि छत वगैरह पर चलें, पर अभी ज़्यादा रात हो गई, रात के 8 बज चुके हैं, 8 o'clock हो गए, तो अंधेरा हो गया होगा, और फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो फ्लैश भी नहीं चलने वाली है, फिर कैसे होगा। तो मैं सोच रहा हूँ चलो रहने दो, कल वाले को देखेंगे। और गाइस एक बंदे का मेरे पे कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि भाई यार तुम कह रहे थे 100 सब्सक्राइबर पे हम सरप्राइज लाएंगे, पर सरप्राइज तो है ही नहीं, कहीं दूर से दूर तक सरप्राइज नहीं आ रहा, और मैं बल्कि 101 ही हो गए सब्सक्राइबर तो, और अभी भी सरप्राइज नहीं आ रहा है उसने बोला। तो मैं भी वही व्लॉग के अंदर बता दूँ, तो जो बात है वो है कि अभी जो है थोड़ा सा चल रहा है, कुछ घर में कुछ मैटर चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, और हो सकता है अगर चाहूँ, अगर ये चीज़ अभी ख़त्म हो जाएगी ना, मैं तो कल ही चला जाऊँगा, अगर चाहूँ तो अभी चला जाऊँगा अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो। और गाइस आज मेरे चाचू है ना, सालिम चाचू, उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्पैम कर दो गाइस कमेंट्स के अंदर, हैप्पी बर्थडे के आगे दिल लगा देना इस तरीके से जैसे नीचे आ रहा है, तो देखना है अभी गाइज मेरा। हाँ मेरा भी बर्थडे आने वाला है 17 को, अभी आज है 15, और 17 को मेरी अप्पी का बर्थडे है, सेल्फ अप्पी का, और 23 ऑफ सितंबर को मेरा बर्थडे है। सो गाइज मेरे लिए भी अभी स्पेंड कर दो गाइज, बर्थडे कमिंग सून आरिश, इस तरीके से मेरे लिए भी कर सकते हो। और गाइज आपने का 8 दिसंबर को है, पर ये क्या बना रखा है इसने अपना, बोलिए ये क्या है, क्या वो तो धोया है अभी, क्या हो गया जादू, जाके तो यहाँ पे लगाना होता है। और आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, आज मैं दादी के भी नहीं गया, बिकॉज दादू नहीं जा रहे तब बोल रहे थे कि आज रहने, तो कल वगैरह को चलेंगे। डेली जाकर अपना होमवर्क तुम पेंडिंग कर लेते हो, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं कल ही चलेंगे। और गाइस मुझे आप लोग कुछ एडिटिंग के टिप्स भी बताओ, क्योंकि मुझे एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या होता है ना मैं अपने वॉइस क्लियर नहीं कर पाता हूँ, और कुछ जगह ऐसा होता है मैं बोल देता हूँ और वो नीचे लिखा हुआ नहीं आता है, वहाँ मैं भूल जाता हूँ, तो उस प्रकार से मैं कभी कभार भूल भाल जाता हूँ ना, तो एडिटिंग में बहुत दिक्कत हो जाती है, और एडिटिंग में मेरी क्वालिटी वीडियो की जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आती है, मतलब अच्छी नहीं आती है वीडियो की क्वालिटी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आपको ब्लॉग देखने में मज़ा नहीं आता होगा, पर मैं कोशिश करूँगा, यूट्यूब से देख देख के सीखूँगा, वैसे तो मैंने अच्छी खासी सीख रखी है, मुझे आती है, पर वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो मैंने इंक्रीज़ कितनी बार कर दी, वो डिक्रीज़ हो जाती है बल्कि, मैंने कितने फ़िल्टर यूज़ कर लिए, कितने ऐप्स यूज़ कर लिए भाई, कितनी चीज़ें यूज़ करी हैं,
आप मानोगे नहीं, मेरी स्टोरेज 128 GB का फ़ोन है, 128 का ही, 128 का, और उसमें से 117 GB तो भर भी गया भाई, सोचो। वो मैंने ऐप्स इतने डाउनलोड कर लिए, डॉक्यूमेंट इतने डाउनलोड कर लिए, और APK हो गई और डाउनलोड्स हो गए भाई, इतनी चीज़ें डाउनलोड थी ना उसके अंदर, अब जाके मैंने डिलीट करी है तब जाके फ़ोन नॉर्मल हुआ है, वरना तो भाई इसमें बिल्कुल आतंक मच गया था। ऊपर स्क्रॉल करोगे तो पता नहीं कहाँ घूम जाता था, कौन सा ऐप खुल जाता था। मैंने लेकिन इंस्टाग्राम चलाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैंने स्टोरी ओपन करी, अपनी स्टोरी ओपन करी तो वो दूसरे की स्टोरी ओपन हो गई, और फिर मैं अपने प्रोफाइल पर गया, प्रोफाइल पर गया तो वो रील्स खुल गई। भाई कुछ भी हैंग इतना हो गया था फ़ोन बहुत ज़्यादा, तो मुझे फ़ोन लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ अपना डाटा अपने दूसरे फ़ोन के अंदर ठीक दूसरे फ़ोन ठीक करा लूँ, उसके अंदर शेयर कर दूँ, तो आधा काम इससे हो जाएगा और आधा काम दूसरे वाले फ़ोन से हो जाएगा, तो उससे सही भी रहेगा। और बस टिप्स दिया करो मुझे थोड़ी सी कि कम ब्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, या फिर आप लोग जो चाहते हो ना कि मेरे ब्लॉग के अंदर ये आए, या फिर मैं लाऊँ इन चीज़ों को, आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं कोशिश करूँगा फिर जल्द से जल्द। अगर आप आज ही कमेंट कर देते हो मेरी वीडियो में इस चीज़ के लिए, तो मैं बता रहा हूँ फिर इस चीज़ को मैं जल्दी ही लाने को करूँगा, अगर जो चीज़ आप बोलोगे। ओके सो गाइस, जिसको मेरा आज का ब्लॉग देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर मज़ा आए तो कमेंट भी कर देना, स्पैम कर देना हैप्पी बर्थडे कमिंग सून और हैप्पी बर्थडे, उसके आगे दिल लगा देना चाचू के लिए। तो वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, जहाँ भी रहो खुश रहो, बाज रहो, बी केयरफुल, स्टे सेफ, बाय बाय।